गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइजेस एंड वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 8. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर बी, दैट इज री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप. तो हमें इन सेंटेंस को फिर से लिखना है कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप का यूज करके. तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा ही इज़ 6 years old. तो यहाँ पर ना ही कैपिटल लेटर है ना ही फुल स्टॉप है, तो हम इसको करेक्ट करके लिखेंगे. सबसे पहले लेटर हम सेंटेंस का लिखते हैं कैपिटल एच, ई ही इज एस आई एक्स 6 वाई ई ए आर एस ईयर्स ओ एल डी ओल्ड एंड फुल स्टॉप. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट लेटर को कैपिटल बनाना है और सेंटेंस के एंड में हम यूज़ करते हैं हमेशा फुल स्टॉप. अब सेकेंड वन इज़ आई लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक. तो हम इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक एंड एट लास्ट वी विल पुट द फुल स्टॉप. In the third one also we are going to do as it is. Our school reopened on Monday. तो अब हमें इस sentence को भी क्या करना है, first letter capital करना है और end में हमें full stop लगाना है. और हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि जब भी हम डेज लिखते हैं तो हम डेज का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल लिखते हैं. तो इसमें भी हम फर्स्ट लेटर डे के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेंगे. तो यहाँ हम लिख देंगे ओ यू आर अवर एस सी एच डबल ओ एल स्कूल आर ई री ओपन्ड On Monday, on M-O-N-D-A-Y, Monday and then full stop. Then fourth one is, an elephant is a big animal. तो इसमें भी हम इसका first letter capital करेंगे और last में हम put up करेंगे फुल स्टॉप. सो हेयर वी आर गोइंग टू राइट एन एलिफेंट एन एलिफेंट ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट इज अ बिग एनिमल बी आई जी बिग ए एन आई एम ए एल एंड देन फुल स्टॉप. एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल. अब फिफ्थ वन इज अ ईयर हैज़ 12 months. तो इसको भी हम कर देंगे इन कैपिटल लेटर. फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे अ ईयर एच एस हैज टी डब्ल्यू ई एल वी ई 12 months एम ओ एन टी एच एस मंथ्स एंड देन फुल स्टॉप. सो वी हैव कम्प्लीटेड दिस एक्सरसाइज. हमने हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर लिया है और इन द एंड वी हैव पुट
up the full stop. So like that we have to do in each and every sentence. Now come to exercise number C. Read the following group of words and put right against correct sentence and across against incorrect sentence. So first one is, all of us ate lunch, or second है ate lunch. So इसका first वाला sentence जो है वो correct है and second one is wrong. We brush our teeth every day, cocks crow. So third sentence is correct and fourth sentence is wrong. So here we have completed our chapter number 10, and in the next video we will continue forward with our next chapter.